आंटी से पूछते हैं, आंटी क्या खा रहे हो आप? ये कुलचे छोले हैं। कैसे लगे आपको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। दोस्तों हम लोग आए थे मथुरा में, और मथुरा में यार एक ना बहुत स्पेशल चाट मिलती है, जो भी मिलती है कुल्लड़ वाली चाट। भाई आपने पत्तल में खाई होगी, आपने कागज के पत्तल में खाई होगी, सूखे पत्तल में खाई होगी, मगर भाई यहाँ एक अनोखी चाट मिलती है जो कि कुल्लड़ में होती है। और मैंने ये सुना है कि यार जब कुल्लड़ में कोई खाना डलता है ना, तो उसका स्वाद बहुत अनोखा और अलग हो जाता है। तो हम लोग आए हैं आज शिव चाट भंडार पे, जो कि पड़ती है हमारी होली गेट के सामने। तो राधे राधे भैया, क्या हाल है? बहुत बढ़िया भैया। अभी अपनी दुकान के एड्रेस और टाइमिंग बताओ, अगर किसी को आना हो और कुल्लड़ वाली चाट का आनंद उठाना हो। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। अच्छा, हाँ जी। और कितने रुपए की रहती है कुल्लड़ वाली चाट? कुल्लड़ चाट है 25 रुपए की सर, और नॉर्मल पत्तल में 20 रुपए की। ये देखिए भाई, इस तरीके से पहले छोले डलते हैं, फिर डलता है मसाला, और इनकी हरी चटनी और लाल चटनी, ऊपर से डलती है दही। पापड़ी चाहे तो डलवा सकते हो, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया चाट है, बहुत बढ़िया चाट है, बहुत बढ़िया है। फैमिली आई हूँ, इनसे पूछ लेते हैं। अंकल जी राधे राधे, कैसे हो? राधे राधे, राधे राधे। क्या खाया आप? गुजरात से आए हैं। अच्छा, और छोले कुलचे खा रहे हैं मथुरा के, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत बढ़िया है। आंटी आपने क्या खाया? बहुत अच्छा है खाना, तो छोले कुलचा, छोले कुलचे खाए, बढ़िया है। भाई मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी कुल्लड़ की चाट के छोले कुलचे खाने पड़ेंगे, बिकॉज ये दूसरी फैमिली है तो मेरे को छोले कुलचे खाते दिखे। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैंने दही बड़ा खाया। दही बड़ा खाया, दही बड़ा और भी अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या बात है दोस्तों, देख लो आप खुद यहाँ पे। मथुरा की चाट बहुत अच्छी आती है। अच्छा, और गुजरात से भी बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैंने देखा है, मैंने भी ये देखा है, गुजरातियों का थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ नाश्ते में भी थोड़ा गुजराती ढोकला खमण ये सब चलता रहता है। इधर ऐसा नहीं मिलेगा ढोकला खमण, लेकिन ये जो है चाट भंडार बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आ गया। क्या बात है, जो मेरे को ग्राहकों ने आके बताया कि इनके छोले कुलचे भी बहुत स्वादिष्ट है, तो हम लोग इतने छोले कुलचे भी लगाएंगे। भैया क्या रेट रहता है छोले कुलचों का? सादा प्लेट 40 रुपए। अच्छा, पनीर वाली 50 रुपए प्लेट। पनीर वाला लगाओ यार, जो मैंने देखा है लोग खा रहे थे यहाँ पे। सादा पनीर वाला लगाता हूँ, पनीर वाला लगाओ। देखते हैं भाई, वैसे तो छोले कुलचे के नाम से मेरे को दिल्ली याद आ जाती है। देखते हैं भाई ग्रीन चटनी क्या ये दिल्ली को टक्कर दे पा रहे हैं। जिस तरीके से मेरे गुजराती भाई मेरे को बता रहे थे कि ये बहुत स्वादिष्ट है। तो दोस्तों हमें पारुल मिली है यहाँ पे, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है, तो पारुल हमें बता रही है कि यहाँ पे क्या क्या फेमस है। और पारुल बताइए, यहाँ पर अभी आगे चल के ब्रिजवासी की चाट है, वो अच्छा। बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ का मीठा बहुत ही अच्छा है, तो वहाँ का मीठा तो जरूर ही ट्राई करना है। अगर आप मथुरा आए हो, ब्रिजवासी का मीठा नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, और आप चाट के बारे में बता रहे, चाट बिरला मंदिर की बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, तो हम दोस्तों जरूर ट्राई करेंगे बिरला मंदिर की चाट। और हमारे वहाँ पे छोले रेडी हो चुके हैं, छोले कुलचे, और आपने खाया है? आपको यहाँ का कैसा लगता है? यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ का पानी पूरी भी बहुत अच्छा है। पानी पूरी भी, मेरा पेट बहुत भर रहा है, पानी पूरी नहीं ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच। तो एक बार आंटी से पूछते हैं, आंटी क्या खा रहे हो आप? ये कुलचे छोले हैं। कैसे लगे आपको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप? वृंदावन। वृंदावन से जब भी मथुरा चक्कर लगता है तो यहाँ पे भी पैर पड़ते हैं? ये हमारा मायका है ना, तो यहाँ मायका है, और यहाँ पे चाट चलती है। यहाँ चाट चलती है, शंकर वाले के यहाँ लस्सी पीते हैं। अच्छा, शंकर वाले के यहाँ लस्सी चलती है और यहाँ चलती है आपकी चाट। कुल्लड़ वाली चाट कैसी है इनकी? बहुत बढ़िया।